तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सराउंडिंग द हेवन के आने वाले एपिसोड के एक ट्रेलर को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए कि चलते हैं इस ट्रेलर की तरफ। तो इस ट्रेलर की शुरुआत में हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर बैठा हुआ होता है और वो अपने मन में कुछ सोच रहा होता है, और उसके पास में यहाँ पर जिया भी बैठी हुई होती है और उसके हाथ में कुछ होता है। लेकिन तभी यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को जिया के ब्रदर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी पावर का यूज कर रहा होता है। उसने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को भी बना लिया होता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और इस चीज से इरफान यहाँ पर बचकर भाग रहा होता है, और वो भागते भागते दोबारा से इस रिवर के अंदर में आ जाता है, ताकि इन लोगों के बारे में जिया की फैमिली को कुछ भी पता ना चले। लेकिन यहाँ पर इरफान की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, क्योंकि जियान फैमिली के एक बंदे को यहाँ पर इरफान के लोकेशन के बारे में पता चल गया होता है, और वो इरफान के ऊपर यहाँ पर हमला करना भी शुरू कर देता है। लेकिन इरफान उसके साथ फाइट करने के बाद उसे हरा देता है, और वो आगे की ओर बढ़ जाता है। और उसके रास्ते में ये गोल्डन कलर की एनर्जी आ रही होती है, इसलिए वो इसके ऊपर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये गोल्डन कलर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और वो इरफान और जिया का पीछा करने लगती है। इस चीज को देखकर इरफान अपनी जान को बचाकर इस जिया से भागने लगता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी से वह सील हट गया होता है, जो कि इरफान ने उसकी बॉडी के ऊपर लगाया होता है, जिसकी वजह से जिया अब अपनी पूरी पावर को रिकवर कर ली होती है। और इरफान से कुछ देर फाइट करने के बाद इरफान को यहाँ पर अपने कब्जे में कर लेती है और उसे यहाँ पर टॉर्चर करने लगती है। इस पर इरफान यहाँ पर जिया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिया यहाँ पर समझने की हालत में नहीं होती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का यह ट्रेलर हो जाता है खत्म। और अगर आप लोगों को यह ट्रेलर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।